करें गाड़ी ब्लॉक करें। इजी इजी आप गन छोड़ो, आप गन 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 छोड़ें। गाड़ी क्यों बजा रहे थे पीछे वापस? मैं सर पुलिस वालों इसलिए मैं डर गया था। अच्छा जी, मैं सवाल आपसे शौकत सिंपल सवाल कर रहा हूँ, देखें बाइज्जत तरीके से इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे आप? नहीं वो भाई मेरी बात सुनो, ये हाथ चला रहे थे, मैं सिर्फ इसके हाथ था। इसी वीडियो नहीं बनाई आपने? वीडियो वायरल करोगे? आपको बोले मेरी गाड़ी का सर्च नहीं करें प्लीज, ये ठीक है 1.5 लाख रुपए मेरी गाड़ी। तमाम हकायक और मुकम्मल सबूत इस हफ्ते के सरेआम में। हाँ गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर पैसे नहीं है। आज के सरेआम में आपको वो थप्पड़ देखने को नहीं मिलेगा जिसे आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर देख चुके, इसलिए कि कहीं वो अमल किसी मुलजिम या मुजरिम पर हाथ उठाने की दलील न बन जाए। लेकिन आप वो थप्पड़ जरूर देखेंगे जो इस मुलजिम ने एक 12 साल की मासूम बच्ची के गालों पर रसीद किए, और वो भी उसके हाथ बांध कर। हाँ सही, मिनट आप आज के सरेआम में इस पुलिस अफसर का खुफिया कैमरे पर किया जाने वाला एतराफ भी देखेंगे जिसमें इसने आज से 3 साल पहले 12 साल की एक मासूम लड़की के हाथ बांध कर उसे बरहना करके उसकी वीडियो बनाई थी, और फिर ये बदबख्त अफसर उस लड़की को उस वीडियो की बुनियाद पर कई साल तक ब्लैकमेल करके उसका जिंसी इस्तेहसाल करता रहा था। बच्ची है ना समझे मासूम, इसको बांधा क्यों आपने? तो आपने इसको बांधा क्यों अगर जबरदस्ती नहीं करते? क्यों बांधने से पूछो? तो इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो, इसको बांधा है, इसको नंगा किया आपने? ओ भाई मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऐसे इसको रस्सियों से नहीं बांधा है, ये हिल नहीं सक रही थी, ठीक है ना, ये हाथ चला रहे थे, मैंने सिर्फ इसके हाथ बांधे। ये पुलिस अफसर जो अपनी आमदनी या तनख्वाह के मुकाबले में कई गुना महंगी कार में घूमता था, लड़कियों को अपना जाती पिस्तौल दिखाकर डराता और धमकाता था, उन्हें हाथों और पैरों से बांधकर बेलिबास करता था, और उनकी वीडियोस और तस्वीरें बनाकर उन वीडियोस और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देके उन मासूम बच्चियों को बार बार जिंसी इस्तेहसाल का निशाना बनाता था। जब टीम सरेआम इसके खिलाफ खुफिया कैमरे के मुकम्मल वीडियो सबूत रिकॉर्ड करके इसे गिरफ्तार करवाने की मंसूबा बंदी के साथ मुकर्रा मकाम पर पहुंची, तो पहले से लाइनअप की हुई पुलिस अचानक मंजर से गायब हो गई। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी से ये उनको बाहर निकालेंगे, उसी वक्त उसको हाथ करना और पिस्टल उसके पास होता ही। हाँ ये देखना क्या है स्टेटस पुलिस का है? भाई पुलिस तो फोन नहीं उठा रही है, लाइनअप की डन थी सब कुछ, अभी 10 मिनट आधे घंटे पहले बात हुई है हमारे एसएचओ से, क्या करें मन भाई। लड़की इस ब्लैकमेलर को फोन करके उससे मिलने की हामी भर चुकी थी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो ये कि हम इसे एक बार फिर लड़की को अपने साथ ले जाकर उससे दरिंदगी करने देते, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इस जिंसी भेड़िए का रास्ता रोकते और 15 पर कॉल करके इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर के खिलाफ पुलिस ही की मदद हासिल करते। हमने दूसरे ऑप्शन का इंतखाब किया, इसलिए कि हम 3 साल से ब्लैकमेल होती आई इस मासूम बच्ची को एक बार फिर इस हैवान की जिंसी तस्कीन के लिए इसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते थे। कल से टर्न करी थी और अभी भी पोस्ट पे टर्न करी है उसने। ऑप्शन करें गाड़ी ब्लॉक करें। इजी इजी। हमें कराची के इस सब इंस्पेक्टर शौकत की ब्लैकमेलिंग की पहली खबर एक वीडियो की शक्ल में मौसूल हुई थी जो ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली इस लड़की ने हमें भिजवाई थी। ये लड़की आज मैट्रिक में है, मतलब 15-16 साल। अगर आज से 3-4 साल पहले इसे बांध कर बेलिबास करके इसे ब्लैकमेल करने के लिए इस पुलिस अफसर ने इसकी ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो इसका मतलब है उस वक्त इसकी उम्र 12 साल के करीब थी। जरा सोचिए 12 साल की एक बच्ची एक ताकतवर और असरो रसूख वाले पुलिस अफसर के हाथों जबरदस्ती अपनी वीडियो बनाए जाने के बाद 3 साल तक किस अजियत से ब्लैकमेल होती रही होगी।
हाँ सही तक जो मिनट सब अभी जब आप इस बच्ची की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 3 साल का एक एक लम्हा इस बेटी इस बहन पर कयामत बनकर गुजरा है। कैसे ये पुलिस वाला हर बार ब्लॉक किए जाने के बावजूद नए नंबर से उसे फोन करता था, किस तरह नंबर तब्दील करने के बावजूद पुलिस का ये ब्लैकमेलर अफसर उसके नए नंबर हासिल कर लेता था, उसके बाप और भाई के नंबर निकलवाकर इस बच्ची की वीडियोस उन्हें भेजने की धमकी दी जाती थी। 12 साल लड़की के हाथ बांधकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर बनाई गई उसकी बरहना वीडियो, जिसका कुछ हिस्सा ही हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी लड़की का चेहरा छुपाकर और आवाज तब्दील करके। क्या पुलिस अफसर शौकत के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये वीडियो काफी थी? जवाब है नहीं, इसलिए कि इस वीडियो में शौकत खुद कहीं भी वीडियो बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, इसमें ब्लैकमेलर शौकत की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पक्का सबूत नहीं था। सो टीम सरेआम ने सबसे पहले पुलिस अफसर शौकत के खिलाफ ऐसे सबूत हासिल करने की प्लानिंग की जिन्हें पुलिस अफसर शौकत खुद भी ना झुठला सके, और अगर ये बेशर्मी और बेहयाई से अपनी ब्लैकमेलिंग के सबूतों का इनकार करे भी तो भी कानून उन सबूतों की तर्दीद ना कर सके और मासूम बच्चियों को बांध कर उनसे ज्यादती करने और वीडियो बनाने वाला ये ब्लैकमेलर अपने अंजाम को पहुंचे। हमने ब्लैकमेलिंग की शिकायत करने वाली इस लड़की से कहा कि अब की बार जब ये ब्लैकमेलर उसे डरा धमका कर कहीं बुलाए तो वो उससे कहे कि इस बार उसकी एक दोस्त भी साथ आएगी। हमने लड़की को समझाया कि वो ब्लैकमेलर को अपनी दोस्त के बारे में इस अंदाज से बताए कि ब्लैकमेलर की राल टपकने लगे और उसे इस बात की उम्मीद हो जाए कि वो इस लड़की की दोस्त का भी इस्तेहसाल कर सकता है। सिर्फ इसी सूरत में ये उससे मिलने पर राजी हो सकता था। ऐसा करने का हमारा मकसद ये था कि ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़की कम उम्र थी और थोड़ी ना समझ भी, और खुफिया रिकॉर्डिंग करने से वो घबरा भी रही थी कि अगर ब्लैकमेलर को पता चल गया कि वो उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो उसे जान से ही मार डालेगा। सो इस काम के लिए हमें टीम सरेआम की एक बहादुर और ट्रेंड खातून नुमाइंदा को मैदान में उतारना पड़ा। टीम सरेआम की खातून नुमाइंदा लड़की की दोस्त बनकर ब्लैकमेलर से मिली और पहली ही मुलाकात में इसने पुलिस अफसर के रूप में इस ब्लैकमेलर से बच्ची के हाथ बांधकर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने का एतराफ करवा लिया। हमारी नुमाइंदा ने इससे पूछा कि आपने इसे बांधा क्यों था, तो अगर इसने ऐसा ना किया होता तो ये पूछता कि मैंने इसे कब बांधा या आप क्या बात कर रही हैं। इसकी बजाय उसका कहना था कि ये मेरा और उसका जाती मसला है। आपने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, कि पहले मुझे इस चीज़ की गारंटी दे, भाई बच्ची है ना समझे मासूम, इसको बांधा क्यों आपने? क्या मसला है? फिर हमारी नुमाइंदा जो लड़की की दोस्त बनी हुई थी उसने इससे ये कहा कि ये तब तुम्हारे साथ जाएगी जब तुम इसकी वीडियोस और तस्वीरें डिलीट कर दोगे। इस पर भी इसने ये नहीं कहा कि कौन सी वीडियोस और तस्वीरें, बल्कि इसका कहना था कि वो मैं पहले ही डिलीट करने का कह चुका हूँ, क्योंकि ये लड़की को बुलाने के लिए हर बार वीडियो डिलीट करने के झूठे बहाने करता था। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। नहीं, हम यहीं बैठ के बात करेंगे, खड़े होके मेरी बात इधर हो जाए। अच्छा, मुझे तो गाड़ी में बैठ के बात करना। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ जाएगी लेकिन एक शर्त है, तुम इसकी तस्वीरें डिलीट कर दोगे, वीडियो डिलीट कर दो। मैंने तो पहले बोल दिया। इस ब्लैकमेलर ने खुद बताया कि वो यहाँ यानी जिना अस्पताल कराची में कायम पुलिस की चौकी का इंचार्ज है, लेकिन हमारी नुमाइंदा घुमा फिराकर इससे यही पूछती रही कि आपने इस लड़की को बांधा क्यों। इसने इस बार भी इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि ये बात इसी लड़की से पूछो कि मैंने इसे क्यों बांधा था, इसलिए कि ये मेरी जिंसी ताल्लुकात की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रही थी। मैं यहाँ पे पुलिस चौकी इंचार्ज हूँ, ठीक है, मुझे हर बंदा यहाँ जानता है। मेरी बात, आप जबरदस्ती कर रहे हो ना इसके साथ? मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ तो आपने इसको बांधा क्यों? अगर जबरदस्ती नहीं करते क्यों बांधने से पूछो? क्यों बांधना था इसने?
जबरदस्ती कर रहा था ना, बोलो अब मान नहीं रही थी आपके साथ कुछ करने की, क्यों नहीं मान रही थी तुम? इसीलिए नहीं मान रही थी कि इस टाइप का कभी कुछ ऐसा। आप लेके तो आप जा रहे थे। मैं तो लेके जा रहा हूँ, ले जाने दे नहीं रहे। हमारी नुमाइंदा ने तीसरी बार इससे कहा कि आपने इसे बांधा बरहना किया, तो इस बदबخت का जवाब इंतहाई पुरसुकून था कि मैंने कौन सा इसे रस्सियों से बांधा था, ये हाथ चला रही थी इसलिए इसे बांधा था। वो तो बाद में लड़की ने हमें बताया कि इसने जख्मों पर की जाने वाली पट्टियों से उसे बांधा था। इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो, इसको नंगा किया आपने। ओ भाई मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऐसे इसको रस्सियों से नहीं बांधा है, ये हिल नहीं सक रही थी, ठीक है ना, ये हाथ चला रहे थे, मैंने सिर्फ इसके हाथ बांधे, ठीक है। अब आप चलना चाह रही हैं तो आप चलें, नहीं चलना चाह रहे हैं उसको ले जाने का कोई इशू नहीं। इसकी वीडियो और तस्वीरें डिलीट कर दो, मेरा मसला, मैं करूँगा नहीं करूँगा वो वीडियो और तस्वीरें डिलीट कर दो, दिखाओ मुझे, हैं तुम्हारे पास? ये मेरे दो मोबाइल है, मैं मोबाइलों में ऐसी चीज़ें नहीं रखता, मैं पूरी कर रहा हूँ कोई मुझे गोली मार दे मैं मर जाऊँ, कोई ये वीडियो देख ले। कहाँ रखते हो? मोबाइलों में ऐसी चीज़ें नहीं रखता। अगर ये तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आएगी तुम वायरल कर दोगे। वो मेरा मसला, वो मेरी सोच है। अभी हट जा, मैं जा रहा हूँ, जाओ तुम। जाए, मैं जा रही हूँ। बैठो आओ सर, बैठ जाओ बस। जा रही हो तुम? कहते हैं मैं तुम्हारा पीछा, मैं इन सब से रोज रोज से तंग आ गई हूँ, बस इस बात को खत्म करना चाहती हूँ। बहरहाल अब हमारी नुमाइंदा और ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़की इसके साथ गाड़ी में बैठ गए। टीम सरेआम के बाकी अराकीन मुस्तकिल गाड़ी पर नजर रखे हुए थे। इसने दोनों लड़कियों को खौफ जदा करने के लिए अपनी प्राइवेट ब्रांड न्यू गाड़ी में लगा हुआ हूटर भी बजाया और अपनी पिस्टल निकाल कर धमकाया भी कि अगर इस लड़की ने इसकी बात न मानी तो वो इसे गोली मार देगा। आप इसको डरा धमका के लेके जाते हो? अगर मैं गलत करना चाहूँ ना, आप इसके साथ हो तब भी मैं गलत कर सकता हूँ। अगर वो आपके साथ नहीं आई तो ये इसकी बर्बादी है, समझ गई मैं, बर्बादी इसकी है। अच्छा पुलिस की गाड़ी लेके घूम रहे हो? तो क्या इसको गोली मारोगे, इसकी वीडियो वायरल करोगे? बंदे की जान लेती है कितनी सी, ये नहीं पूरी जाती है, सिर्फ ये जाती है, ये अंदर ही ले जाती है। उस दिन टीम सरेआम की नुमाइंदा की मौजूदगी की वजह से ये ब्लैकमेलर लड़की का इस्तेहसाल नहीं कर सका, लेकिन दिल ही दिल में उसने अपना अगला हदफ हमारी नुमाइंदा को मुकर्रर कर लिया था और इसीलिए ये अगली मुलाकात में भी इस लड़की को उसकी सहेली यानी टीम सरेआम की नुमाइंदा के साथ मिलने पर आमादा हो गया था। अगली मुलाकात पर हमने इस शख्स को गिरफ्तार करवाने का मंसूबा बनाया। मुकर्रा दिन पर हमने लड़की पर बीतने वाले ब्लैकमेलिंग के 3 साल का पूरा अहवाल सुना और उसे रिकॉर्ड किया। हम ब्लैकमेलिंग के ऐसे केसेस में 3 वजूहात की बिना पर लड़की की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं या फिर उससे रिकॉर्डिंग करके हमें भिजवाने की दरख्वास्त करते हैं। पहली वजह तो ये कि ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई के वक्त या फिर कार्रवाई के बाद किसी भी दबाव की वजह से लड़की अगर अपना बयान तब्दील करे तो हमारे पास रिकॉर्ड के लिए उसकी गुफ्तगू मौजूद हो। दूसरी वजह ये कि देखने वालों को ब्लैकमेलर के करतूतों का सही से इल्म हो सके, उन्हें अंदाजा हो सके कि ब्लैकमेलिंग की वजह से एक बच्ची किस तकलीफ और अजियत से गुजरती है, न किसी से कुछ कह सकती है, न कहीं डर के मारे शिकायत कर सकती है। जालिम ब्लैकमेलर के हर मुतालबे को तस्लीम करने पर मजबूर होती है और ऐसे केसेस में ब्लैकमेलर महज पैसों का मुतालबा नहीं करता या सिर्फ अपनी जिंसी तस्कीन पूरी नहीं करता, बल्कि ऐसे ऐसे हैवानी और वहशत भरे तरीके से ब्लैकमेल होने वाली लड़की पर तशद्दुद किया जाता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़की की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की तीसरी वजह ये होती है कि शायद उस बच्ची की गुफ्तगू सुनकर घर बैठी बेटियां और बहनें कुछ सीख सकें। वो गलतियां जो ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर अजियतनाक लम्हे गुजारने वाली बच्चियों ने की हैं, शायद उन्हें सुनकर कोई दूसरी बच्ची, कोई दूसरी लड़की इस अजियत का शिकार होने से बच जाए। लेकिन ब्लैकमेलिंग के इस मामले में इस लड़की की गलती ना होने के बराबर थी। इस लड़की को तो इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाया था। अब मुझे कंप्लीट भाई समझ के बताएं कि
इसने कब से ये जलालत शुरू की आपके साथ, खौफ था करके और हिम्मत करके रोए बगैर? काफ़ी टाइम हो गया है, रॉन्ग नंबर बन के कॉल की थी, तो ये पुलिस वाले, इसके पास कोई ऐप है, इसके जितने नंबर ब्लॉक करो ये नए नए नंबर से कॉल करता है, अजीब अजीब नंबर होते हैं। मैंने इसके 100 से ज़्यादा नंबर ब्लॉक किए, 3 सिमें चेंज की इसकी वजह से, नए नंबर से फ़ोन करता है और इसके पास सिम का नंबर चला जाता है, कैसे जाता है नहीं पता। तो आपका रब्ता एक अननोन से हुआ था, कहा था मैं ये बात कर रहा हूँ, असद से मेरी बात करवाओ। तो मैंने कहा कि कौन असद, इस तरीके से मतलब डेली डेली कॉल पे करता रहा ये कॉल, मैं ब्लॉक करती रही। बीच में फिर अबू का नंबर गया, भाई का नंबर गया, तो मैं बात नहीं, पहले तो नहीं गया था, जब मैं बात नहीं करती थी तो इनको फ़ोन करता था, पहले नहीं, पहले नंबर नहीं था तो ये मुझे बार बार हर टाइम फ़ोन करता था। मैं मोबाइल एक मिनट कहीं रख नहीं सकती थी घर वालों की वजह से कि कोई उठा ले इसकी कॉल, तो इस तरह ये ऐसे चुप होता था कि मुझे टाइम मिलता था मैं इससे आधा घंटा रात में लेट टाइम बात कर लेती थी आराम से। तो बस मुझे यही लगा कि ये चुप रहेगा तो बस ऐसे था कि घर वालों तक बात नहीं पहुँचे। एक जाने ब्लैक मेलर लड़की और उसके घर वालों के नंबर हासिल करके उन्हें डरा धमका रहा था, और दूसरी जाने महल्लेदार होने के नाते लड़की के भाई के जिना अस्पताल में जारी टीबी के इलाज में मदद करके उसके गिर्द अपना घेरा तंग कर रहा था, इसलिए कि ये उन दिनों जिना अस्पताल में पुलिस चौकी का इंचार्ज था। एक दिन ये लड़की और उसके छोटे भाई को अस्पताल से घर छोड़ने के बहाने मुकम्मल ड्रामा रचाकर एक ऐसे घर में ले गया जिसे इसने अपनी खालाजाद बहन का घर बताया था, लेकिन वहां मौजूद सारे किरदार असल में इस ब्लैक मेलर से मिले हुए थे। इसका मतलब इसने आपको टारगेट करके कहीं से आपका नंबर लेके आपको मुझे जब अंदर अपनी खाला की बेटी का घर मतलब वहां का बोला, तो वहां जब मुझे लेके गया इसने सब कुछ बोल दिया। और ये जो इसने फिर आपको बांधा और बांध के आपकी वीडियो बनाई जो कि इसने आपको भेजी, मुझे इसने कहा कि मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, तो हमें और मेरा छोटा भाई फ्रेंड थी, तो हम आधे रास्ते तक इसके साथ चले जाते थे, तो इसने हमें आधे रास्ते तक उतारा, इसको डायरेक्ट कॉल आई, इसने लाउड किया, इसकी खाला की बेटी इसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि मैंने चाय बनाई है आ जाओ, हमने कहा हम वेट कर लेंगे आप हो क्या, तो भी नहीं माना, कहा अगर आप लोग जाओगे तो हम, तो जब हम ऊपर गए तो मेरी फ्रेंड और वो जो खाला की बेटी थी उनके हस्बैंड सब थे, तो रूम में बैठे हुए थे सब साथ, अचानक से उसके हस्बैंड भी गायब हो गए। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि नहीं जाना रूम से बाहर, वो भी चली गई और वो खाला की बेटी वो भी गायब हो गई। पूरा प्लान था मतलब ये? हाँ, और इसके हाथ में शॉपर था, मुझे पता नहीं था उसमें क्या है, बैंडेज वगैरह थी उसमें, तो आराम आराम से पास आया, कहा बहुत हो गए तुम्हारे नखरे, बहुत बर्दाश्त कर लिया, वो रॉन्ग नंबर वाला मैं था जो मैं बोलता था कि गाड़ी से टोकर मारूंगा वो मैं था, घर के आगे पेट्रोल वगैरह रखूँ वो मैं, मतलब सब इसने एक्सेप्ट किया, तो इसने ज़बरदस्ती पकड़ा और ज़बरदस्ती करने लगा, तो जब मैं चीखे मारी तो इसने मेरे मुंह पे हाथ रखा, मेरे हाथ बांधे, और ये सीन के बाद भी मैं नहीं मानी, उसने मुझे धक्के वगैरह दिए उस टाइम, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था ब्लैकमेल करने के लिए, ब्लैकमेल कर रहा था। याद रहे, लड़की को बांध कर उसकी नाजेबा वीडियो 3 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी जब इसकी उम्र 12 साल थी। उस वक्त लड़की ने रो धोकर ये वादा करके कि वो इस ब्लैकमेलर से फोन पर बात करती रहेगी, वो वीडियोस इसके फोन से बजाहिर डिलीट करवा दी। लेकिन जब घर वापस आकर इसने कुछ दिन ब्लैकमेलर का फोन नहीं उठाया, तो इस लड़की की दोस्त जो ब्लैकमेलर से मिली हुई थी या फिर शायद वो भी उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही थी, उस दोस्त ने उसे उसकी वही हाथ बंधी बराहना वीडियो भिजवाई, तो वो हैरान रह गई। तो इस वीडियो की बुनियाद पे क्या कहता रहा आपको, कैसे मजबूर तो ये मतलब नहीं मान रहा था, और मेरी दोस्त इसे मना रही थी कि मान जाओ इसकी वीडियो डिलीट कर दो, ये कुछ भी नहीं, तुमसे बात भी करेगी, जैसा कहोगे वैसे ही करेगी। फिर मैंने बोला हाँ मैं करूँगी, तो इसने मुझे दोनों मोबाइल दिए, मैंने दोनों से वीडियो डिलीट की खुद। लेकिन जब मैं घर गई तो मैं गुस्से में भी थी, टेंशन में भी थी, तो मैंने इससे काफ़ी टाइम तक बात नहीं की। तो शाजिया नाम की लड़की थी, उसने मुझे कॉल किया, इसे मैंने ब्लॉक कर दिया था। उसने कहा, उसने मुझे मनाया पहले, मैं नहीं मानी, तो कहा व्हाट्सएप पर वीडियो चेक करो, तो इसने मुझे वीडियो जैसे ही सेंड की मैंने देख के बाहर डिलीट कर दी, मतलब बता दिया कि मेरे पास वीडियोस हैं तुम्हारी। वीडियो है। फिर क्या कहता रहा आपको कि मैं क्या वीडियो वायरल कर दूंगा अगर क्या नहीं करोगी तो?
मतलब ये तो ये कहता रहा मोहल्ले में जगह जगह लोगों को बता रहा है, मतलब वो मुझे आते जाते तंग करते हैं कुछ ना कुछ बोल के, और ये कहता है अब मुझसे ही कर लो। आप सोचते नहीं किधर फंस गई मैं, किस दलदल के अंदर। और आप उम्र में भी बड़ा आदमी है, पुलिस में भी है, इन्फ्लुएंशियल भी है, पिस्टल भी हर वक्त साथ रखता है, गाड़ी भी अच्छी है, वीडियो भी आप किसके हाथ में है। हाँ सही, लेकिन मैं अपने घर में भी नहीं बता पा रही, अगर घर में बताया तो इतना बड़ा मसला बन जाएगा, मेरे अबू मुझे भी वो नहीं करेंगे। और ये बच्ची जाहिर है अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म का अहवाल नहीं सुना सकती थी, उसे न जाने कितनी बार मसला गया था, 3 साल में न जाने 12 साल की इस बच्ची पर कैसा कैसा तशद्दुद किया गया था। एक वाकया जो इस लड़की ने बताया वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन इस लड़की ने इस वाकये को ऐसे बयान किया जैसे ये इस बेचारी के लिए मामूल की बात हो। इस वीडियो के अलावा भी है कुछ इसके पास? इस वीडियो के अलावा कुछ फिक्स अगर हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन होगी। और दूसरा, जब मुझे हॉक्स पे लेके गया था यहाँ से, मुझे बोला बात करेंगे वीडियो वगैरह, मैंने सोचा डिलीट कर देगा ना मेरे कहने पर, इसे मुझे बोला सिर्फ बार बात करेंगे। और ये गाड़ी चलाता रहा, मैं इसे पूछती रही कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ तो कहाँ, अभी तो जामकलात के पास से, यहाँ से मुझे भूख लगी, ये ले रहा हूँ वो, फिर तो मैं उतार दूँगा। तो ऐसे करते करते जब हॉक्स बे का पुल आया तो मुझे पता चला कि यहाँ है ना, यहाँ, तो मैंने इसे मना किया, इसने गाड़ी लॉक की हुई थी। तो इसने किसी हामिद नाम के बंदे को कॉल की कि मैं वही हूँ पुलिस वाला, वाइट कार वाला। तो इस तरह वो मुझे, जब मैं गाड़ी से नहीं उतर रही थी, मैंने कहा मुझे यहीं उतार दो मैं खुद चली जाऊँगी, तो मुझे कह रहा मना रहा था मान जाओ मान जाओ। मैंने कहा नहीं, कहीं पानी में पेंग दूंगा, मैंने बोला पेंग दो। उसने ऐसे धक्का दिया फिर पकड़ाना, बाहर सोफे रखे थे कहा यहाँ पर बैठ जाओ, वहाँ ज़बरदस्ती मुझे ऐसे खींचता हुआ लेके गया। उस वीडियो में भी लग रहा है कि ये मारपीट भी करता है, तशद्दुद भी करता है, आपको मार भी रहा है। वो हॉक्स पे लेके गया था, वहाँ मेरा गला भी दबाया था, मेरे मुंह पे भी मारा था, पूरा खून निकल रहा था, और ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था। तो मेरे हाथ शीशे वगैरह पे लगे थे, तो काफ़ी दिनों तक बैंडेज हुई हुई थी। जब घर में गई मुझे जगह जगह चोट लगी, मेरा मेरे अबू की कॉल आई तो उसने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। आप खुद क्या करती हो? कुछ नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैट्रिक में थी। लेकिन आपने हिम्मत की, इतनी हिम्मत किया, थोड़ी सी हिम्मत और करनी है, ठीक है? लड़की से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो टीम सरेआम के अराकीन ने बताया कि इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर को पकड़ने के लिए हमने जो पुलिस लाइनअप की थी अब उनसे राबिता नहीं हो रहा। क्या है स्टेटस पुलिस का? भाई पुलिस तो फोन नहीं उठा रही है, लाइनअप की डन थी सब कुछ, अभी 10 मिनट आधे घंटे पहले बात हुई है हमारी, क्या करें 15। हम दूसरी बार ब्लैकमेल होने वाली लड़की और अपनी नुमाइंदा को इस दरिंदे के रहमोकरम पर नहीं छोड़ सकते थे, सो हमने फैसला किया कि हम इस शख्स को रोक कर 15 पर कॉल करेंगे और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद तलब करेंगे। ठीक, जरा ऑप्शन पुलिस अफसर के रूप में इस ब्लैकमेलर ने दोनों लड़कियों को जिना अस्पताल के अंदर बुलाया जहाँ इसके बकौल वो चौकी इंचार्ज था। हमने लड़कियों को अस्पताल के दरवाजे पर उतारा और खुद पहले पहुंचकर उस मकाम पर पोजीशन संभालने का फैसला किया जहां ब्लैकमेलर ने लड़की को बुलाया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि गाड़ी से ये उनको बाहर निकालेंगे कि जी भी इसको आप ले जाएं साथ और मुझसे 2 मिनट बात कर लें गेट पे जिना के बाहर, उसी वक्त उसको हाथ करना और पिस्टल उसके पास होता ही देखो। हाँ, ये देखना। इस तरह से जा सकते हैं पैदल, आओ इसी तरफ है भाई, मैं इसी तरफ। दानिश तुमने इशारा करना है। ब्लैकमेलर होशियार था, इसने फोन पर अस्पताल के अंदर ही लड़कियों को मिलने के मकाम को 2 से 3 बार तब्दील करके हमारी अच्छी खासी दौड़ें लगवाई, लेकिन बिल आखिर इसने दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठा लिया। हमें अब इसकी गाड़ी को रोकना था जिसके अंदर ये हर वक्त लोडेड पिस्टल के साथ मौजूद होता था। वो निकल गई आगे।
आराम से आराम से आराम से। हाँ ये तो नहीं है क्या? बस 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 अभी नहीं, नहीं। ब्लॉक करें गाड़ी, करें करें गाड़ी ब्लॉक करें, गाड़ी ब्लॉक करें, गाड़ी पीछे लगाएंगे। हमने जैसे ही इसकी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाई, इस ब्लैक मेलर ने गाड़ी पीछे की जाने भगा दी। पीछे हमारी दूसरी गाड़ी ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ये टीम सरेआम के कई नुमाइंदों को जख्मी करता हुआ गाड़ी रिवर्स गियर में भगाता रहा। इसे रोकने की कोशिश में इन नुमाइंदों में से एक के हाथ की कई हड्डियां भी टूट गईं। लेकिन हमने इसे एक ऐसे मकाम पर ब्लॉक किया था जहां से पीछे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सो इसे मजबूरन अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। गाड़ी के अंदर मौजूद टीम सरेआम की बहादुर नुमाइंदा खातून ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो अपना लोडेड पिस्टल निकाल कर फायर ना कर सके, और बिलआखिर हमने मासूम बच्चियों को बांध कर उनकी वीडियोस बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले इस दरिंदे को काबू कर ही लिया। इज्जत से मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ, तमाशा लगाने से निकालो गाड़ी की, निकालो चाबी निकाल के इनके हाथ में दो। एक मिनट सर, एक मिनट सुनो, पिस्टल गाड़ी में रखो, पिस्टल गाड़ी में रखो, निकालो। उसने निकाल लिया, बेटा आ लोग प्लीज। क्या कर रहे थे लड़कियां, किधर लेके जा रहे थे? राजू बेटा दोनों आओ, लेके नहीं जा रहा था, इधर आओ। ये मेरे गाड़ी क्यों भगा रहे थे पीछे वापस? नहीं मैं तो डर गया ना, वहाँ कोई मसला नहीं है। क्यों डर गया था? क्यों डर गया मैं? सर पुलिस वालों, इसलिए मैं डर गया था। अच्छा जी, झूठ बोलना है या सच बोलना है? मैं सच बोल रहा हूँ। इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे जी? इस बच्ची को ब्लैक, इसकी वीडियो नहीं बनाई आपने? बिल्कुल भी नहीं बेटा, इसकी वीडियो दिखाएं इसको। अगरचे कि ये इसका हकदार कतन नहीं था, लेकिन हमने निहायत इज्जत और एहतराम से इससे बात शुरू की कि वो खुद सब कुछ सच सच बता दे, वरना हमारे पास तो उसके खुफिया रिकॉर्डिंग के वीडियो सबूत मौजूद हैं ही। लेकिन ये मक्कार शख्स सर से पैर तक झूठ ही झूठ था। आपने इसके हाथ बांध के इसकी वीडियो बनाई? नहीं बनाई। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? शौकत। शौकत, आपको पता है क्या होने जा रहा है सर? और आपको पता है कि अगर आपको मैंने पकड़ा है तो उसके मुकम्मल सबूत होंगे मेरे पास? सर आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं सवाल आपसे शौकत सिंपल सवाल कर रहा हूँ, देखें बाइज्जत तरीके से, बिल्कुल बाइज्जत तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बोले आप झूठ बोलेंगे, झूठ में कोई इज्जत नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। इज्जत सिर्फ सच में है, जितने एहतराम से कहेंगे उतने एहतराम से होगी। हाँ तो सच बोले ना मुझसे, फिर उसे सच बोले ना, उसे सच बोले ना। इस बच्चे की वीडियो बनी आपसे? आपसे इस बच्चे की वीडियो बनी है? कोई वीडियो, इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे? दिखाएं इसकी वीडियो इसको। इस ब्लैकमेलर ने हमेशा की तरह लड़की से ये वादा किया था कि वो इस बार इसकी सारी वीडियोस एक यूएसबी में डालकर इसके हवाले कर देगा। हम ब्लैकमेलर से बातचीत कर रहे थे और दूसरी जानिब लड़की इसकी गाड़ी में वो यूएसबी तलाश कर रही थी कि इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर ने एक और झूठ बोला कि इसे बोले मेरी गाड़ी की तलाशी ना ले, मेरी गाड़ी में 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यानी वो बच्ची इस शख्स ने जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब ये उस पर चोरी का भी झूठा इल्जाम लगा रहा था। ये वो लम्हा था जिसका रद्देअमल आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। आप सच बोले तो हम की दूसरी बात कह सकते हैं। पुलिस की गाड़ी जरा दिखाओ, हूटर लगा के पिस्टल की जरा, इसका पिस्टल दिखाएं, गोलियां भी दिखाएं। अदिल भाई पिस्टल दीजिएगा जरा, अदिल भाई पिस्टल। को बोले मेरी गाड़ी का सर्च नहीं करे प्लीज, ये पुलिस बेटा रुक जाओ रुक जाओ, मेरे गाड़ी में पैसे भी पड़े, ठीक है 1.5 लाख रुपए मेरे गाड़ी में। अब इंसान बन जाओ। इस ब्लैकमेलर से मिलने वाला पिस्टल सामने आया तो देखा कि वो लोडेड था, वही पिस्टल जिससे ये ब्लैकमेल होने वाली लड़कियों को मजीद डराता था। अब जब इसे इसकी ब्लैकमेलिंग की एतराफी खुफिया वीडियोस दिखाना शुरू की तो इसका कहना था कि ये हाथ बांधने वाली बात और अपने पास इस लड़की की बरहना वीडियोस और तस्वीर की मौजूदगी की बात तो इसने ऐसे ही की थी। पिस्टल दिखाए ना इसका भाई, सरकारी पिस्टल है ये? मेरा अपना जाती है। सरकारी है? मेरा जाती है। जाती है? मैं इधर जनाब चौकी पे होता था। हाँ गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए?
सर मेरी गाड़ी, गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर मेरी गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर पैसे नहीं है। तू झूठ बोल रहा है? तू सर वो क्यों सर तू झूठ बोल रहा है? सर उसका काम नहीं ना, झूठ की बात कर रहा हूँ ना, ये झूठ बोल दे। नहीं सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, झूठ बोलने का मैं बात करना नहीं मानता। पहले कह रहा था सर एग्जाम कभी भी नहीं लाऊंगा। ये पता तेरी बहन बैठी नहीं यार, एक मिनट स्पीकर स्पीकर लेके आओ। तुम्हें खुद तो पता है ना तुमने क्या बोला? आज से आपको काफी अच्छे से जानता हूं। सच बोलना यार, सच बोलो कि मुझसे ये गलती हुई, बच्ची को ब्लैकमेल किया मैंने। अच्छा तुम अभी चौकी इंचार्ज नहीं हो यहाँ पे? नहीं सर। पहले से? जी सर। अभी कहाँ हो? अभी सर मैं हेडक्वार्टर में हूँ, गार्डन हेडक्वार्टर में। नहीं सर मैं था, चला गया मैं, चला गया। मतलब मैं यहाँ से चला, पुलिस में भी जलील हो गए। मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ अभी, इसलिए मैं जा रहे थे। नहीं अब तो तुम नौकरी से ही गए। बस नौकरी मेरे नसीब है सर, मेरे नसीब नहीं है। झूठ नहीं सर। बच्चों की दोस्ती, अगर लड़कियों को ब्लैकमेल करके कमानी है बेटा, उस लड़की को बुलाओ जरा। इस बच्ची को एक मिनट, ये देखो, ये देखना जरा, इधर देखना, इधर देखो, गाड़ी में, गाड़ी में, गाड़ी में, सुनो जरा सुनो, ये गाड़ी में पिस्टल, ये बच्ची को मार रहे थप्पड़ इसको। ये उसकी बच्ची की वीडियो तो मैं दिखाता ही नहीं, छोड़ो। ये देखो जरा, ये पिस्टल निकाल के भी दिखाया तुमने? ये इसको मैंने दिखाया। अच्छा, सिर्फ इसके हाथ बांधे थे? नहीं, ये नहीं कहा इसको मैंने कहा। एक मिनट, वो मैंने इसको कहा लेकिन मैंने किया नहीं है। ओह, वो वीडियो भी है, सुनो। धमकी दी तुमने, कहा मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, यूएसबी में घर पे रखी हुई है वीडियो। बहरहाल इतनी देर में थाना सदर कराची की पुलिस मोबाइल भी मौके पर पहुंच गई। इस ब्लैकमेलर को देखते ही पुलिस मोबाइल में आने वाले पुलिस एहलकार के मुंह से निकला कि इसे तो हम पहले से ही ढूंढ रहे थे। ये आपका मुल्ज़िम है, इसको लेके जाना थाने। क्या कह रहा सामान? ये बता ना, ये सदर थाने में होते ही कह रहे हैं। मोबाइल है मेरे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सदर थाने में होता है? हां, इसी को ढूंढ रहे थे वो। गाड़ी की गाड़ी है, ये गाड़ी है। सदर थाने का नहीं है, है ना? कौन है इसका? सदर थाने का नहीं था, पर ठीक है तू चलते आ जा। था ना? आ जा, वो तो बाद में थाने जाकर इल्म हुआ कि शौकत नामी पुलिस अफसर जो जिना अस्पताल का चौकी इंचार्ज रह चुका था, थाना सदर में तैनात था, उस पर ब्लैक मेलिंग और इकदामे कत्ल की और भी एफआईआर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके बकौल वो आज भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात था। और कोई चीज इसके अलावा? पिस्टल आपका दे दिया, दोनों फोन आपके दे दिए, और 1.5 लाख रुपया देना तो वो भी मैं दे देता हूँ, तुम इतना नहीं जेब से। आपने हमारी नुमाइंदा से क्यों कहा कि इसकी वीडियोस और जो तस्वीरें हैं वो मेरे पास घर में यूएसबी में पड़ी हैं? वाह खुदा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। कहा ना आपने उससे? वो ऐसे डरा रहा था। इसको आप डराते तो थे ना, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी वीडियोस और तस्वीरें मेरे पास हैं। वो जाहिर सी बात है, डराया मैंने बिल्कुल। तो इसी को तो ब्लैकमेलिंग कहते हैं ना शौकत भाई, और ब्लैकमेलिंग क्या होती है? बिल्कुल। आज भी आप अगर सच उसी वक्त से बोलना शुरू करते तो हम गाड़ी में बैठ के आराम से तमीज से बात करके यहाँ पे आए हुए थे। सारा ड्रामा और तमाशा होता ही नहीं। ये शातिर पुलिस अफसर थाने आकर भी सच बोलने को तैयार नहीं था। 12 साल बच्ची को बांध कर उसे बराहना करके बनाई गई वीडियो के बारे में अब भी इसका यही कहना था कि ये वीडियो उसने नहीं बनाई। इससे पूछा गया कि वीडियो में कैमरे के पीछे आने वाली आवाज उसी की है तो उसने कहा हाँ, आवाज तो मेरी ही है लेकिन डबिंग की गई है। ये आवाज इस वक्त आपकी है? सुन के बताएं। सबर को लाऊं कर टुकड़ा वाले भाई। आवाज आपकी, आप ये कह रहे हैं कि डबिंग हुई हुई है? जब मैंने नहीं बनाई तो मैं यही कहूंगा ना सर। और अगर ये यानी प्राइवेट और पब्लिक फॉरेंसिक लेबोरेटरी से टेस्ट होके साबित हो जाए, दरख में फांसी ले लूंगा मैं। ठीक हो गया जी। याद रहे, खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग पर यह शख्स लड़की के हाथ बांधकर वीडियो रिकॉर्ड करने का एतराफ कर चुका था। बच्ची है ना, समझे मासूम, इसको बांधा क्यों आपने? तो आपने इसको बांधा क्यों अगर जबरदस्ती नहीं करते? क्यों बांधने से पूछो? तो इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो, इसको बांधा है, इसको नंगा किया आपने? भाई मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऐसे इसको रस्सियों से नहीं बांधा है, ये हिल नहीं सक रही थी, ठीक है ना, ये हाथ चला रहे थे, मैंने सिर्फ इसके हाथ बांधा। मक्कार और अय्यार ब्लैक मेलर, जिस पर पहले भी ब्लैक मेलिंग और इकदामे कत्ल के मुकदमात थे, उस पर ब्लैक मेलिंग का शिकार लड़की की मुदय्यत में थाना सदर कराची में एक और मुकदमा दर्ज हो गया। जैसे पहले मुकदमात इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, यह मुकदमा भी शायद इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। टीम सरेआम इस मुल्क की बहनों और बेटियों की इज्जतों के तहफ्फुज़ के लिए अपने हिस्से का काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। लेकिन सवाल ये है,
कि वो वक्त आखिर कब आएगा जब ऐसे किसी भी दरिंदे की बर्बरियत का शिकार लड़की एक मीडिया टीम पर एतमाद करके उनसे कार्रवाई का कहने की बजाय पाकिस्तान के इदारों पर एतबार करेगी। वो वक्त आखिर कब आएगा जब इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे इज्जतों और इस्मतों के मुहाफिज बनेंगे। वो वक्त कब आएगा जब एक 12 साल की बच्ची को बांधकर उसकी वीडियोस बनाना तो दूर की बात, कोई गंदी नज़र से उसकी जानिब देख भी नहीं पाएगा। सवाल तो बहुत हैं लेकिन बदकिस्मती से जवाब कोई नहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।